रीना मेहता जी ने मुझे अप्रोच किया है इस गाने के लिए, मैं गाना सुन के बहुत खुश हुई क्योंकि इसमें कुछ अलग करने के लिए मुझे मिला है। और मैंने कलर्स का एक शो किया था विश, जिसमें मैं जादूगरनी ही बनी थी, तो कुछ उसी टाइप का है, कुछ सिमिलर। और पता नहीं मुझे क्यों जादूगरनी बना देते हैं, क्या ऐसी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी क्यूट बबली सी हूँ, बट उन्हें लगा कि मुझ पर ये बहुत अच्छा लगेगा और मैं बहुत अच्छे से निभा पाऊँगी। तो दैट्स इट, मैंने गाना सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वी वर लाइक चलो लेट्स डू इट, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम सेट पे, बहुत मजा आया इसे शूट करने में। मैम आप क्विट हैं, स्विच हैं, क्विट क्या हूँ, क्विट क्विट, हे भगवान ये क्या सुन लिया मैंने, स्वीट ठीक है। क्यों मचल रही हैं? क्योंकि मुझे मचलना है, मुझे मचल मचल के दिखाना है और सबको रिझाना है, इसीलिए मचल रही हूँ। जादू की बात करो, जादू में क्या बिलीव करती है? मैं नहीं बिलीव करती जादू में, पर क्या बोलूँ इस बात में, मैं जादू में बिलीव करती हूँ या नहीं, नहीं करती भाई जादू वादू में बिलीव, मैं मस्त रहती हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा आमिर पहला गाना है, जॉन कैप्टन, कैसा रहा? बहुत मज़ा आया, ही इज़ फन टू वर्क विथ, और आगे बहुत गाने में जो बन रहे हैं उसमें हम दोनों को एज अ पेयर आप लोग देखेंगे। बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो मेल वॉइस है वो आमिर शेख की है और फीमेल वॉइस है रीना मेहता जी की, और आई थिंक द सॉन्ग इज टू गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी। डांस नहीं बोल ले, आज बोल ले आप, क्या मैं सेक्सी लग रही हूँ? मैं
देखिए बिकॉज आई एम अ सिंगर, मेरे शोज बहुत होते हैं, तो मैं जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है जब मुझे अटेंड करने का मौका मिलता है, मैं ज़्यादातर बाहर ही थी, शोज़ पे ट्रैवल कर रही थी, तो इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिल पाया आप लोगों से मिलने का। और इस बार प्लान करके हमने ये किया है क्योंकि अब शोज़ थोड़े से कम हैं, थोड़ा ऑफ सीज़न भी है तो ट्रैवल कम है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके सामने आऊँगी और बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे गानों में आप मुझे देखने वाले हैं। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जो मेरा म्यूज़िक है और जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हटके होगा, तो लेट्स होप कि सबको पसंद आया। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जो अभी नहीं बताऊंगी, बस वेट करिए आप लोग, सरप्राइज है। जी फिल्में अच्छा और काम आता रहेगा तो बिल्कुल करते रहेंगे, आप लोग साथ के साथ देखते रहेंगे, बट आई एम वर्किंग ऑन माई इंडिपेंडेंट म्यूजिक एज ऑफ नाउ। थैंक यू। तरीके से हम लोग ने पिक्चराइज हुआ है गाना ये, और इसके पीछे मतलब हमारी पूरी टीम का हाथ है, वो सब ने बहुत हार्ड वर्क किया है। जसलीन ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया इसमें, मैंने म्यूज़िक किया इसका, रीना जी ने अपनी आवाज़ दी है, बहुत ही कमाल गाया है इसमें। एक्चुअली जब गाना हम बना रहे थे ये, तो हमने सोचा था कि यार ये गाना किससे डब करें, तो पहले एक फीमेल सिंगर से मैंने डब किया था, फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर है, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी विद द सॉन्ग। मतलब जो फील, जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था उसकी इस गाने में, तो वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने रीना जी को अप्रोच किया इस गाने के लिए कि रीना जी आप प्लीज़ ये गाना गाएंगे क्या मेरे लिए, तो उन्होंने गाना गाया ये। और जब उसने ये गाना डब करने के बाद जब हमने गाना सुना ये, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बेहतर कोई गा नहीं सकता था इस गाने को, ये प्रॉपर मतलब ये गाना लग रहा था कि इनके लिए ही बना है। तो फिर ये गाना मैंने इनकी वॉइस में फ़ाइनल किया और इसको फिर मिक्स मास्टर किया, उसके बाद फिर हम लोग ने वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाया, इसके हिसाब से फिर गाने का वीडियो हुआ। और जो कि इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि एक जादूगरनी है जो जब चाहे मुझे वश में कर लेती अपने, और जब चाहे अपने पुतला बना के इंसान बना देती है, तो उस कैरेक्टर के लिए जसलीन एकदम परफेक्ट सूट हुई, पर हमने इसको शूट किया और फाइनली आपके सामने है गाना। नहीं, ऑडियो कंप्लीट होने के बाद में फिर जसलीन माइंड में आई कि इनके साथ में ये हो सकता है गाना। एक्चुअली रीना जी ने भी ये किया, सजेस्ट किया कि हम जसलीन के साथ कर सकते हैं, तो मुझे भी लगा हाँ करेक्ट कैरेक्टर एकदम करेक्ट जाएगा जसलीन के हिसाब से अगर हम ये करेंगे। जी नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल, बड़े इन्जॉय करते हुए हम लोग ने गाना शूट किया, और शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, उनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया। और बहुत सारे वीडियो भी हम लोग आगे फ्यूचर में साथ में करने जा रहे हैं, तो आपको सबको देखने मिलेंगे बहुत जल्द। अभी बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं, बहुत मस्ती की हमने शूट के टाइम पे, अभी जैसे कि मतलब अभी गाने का नाम ही मचलती हूँ तो पूरे गाने में मचल रही थी। जादू में थोड़ा बहुत तो देखो हर किसी में कुछ ना कुछ जादू होता है, वैसे ही जसलीन के अंदर भी एक, उनके अंदर भी मुझे लगता है कुछ जादू है कि वो जिसको चाहे अपने वश में कर लेती है। इसमें जिस तरीके से दिखाया उस तरह से नहीं, इसमें तो बाकायदा वो पावर फेंक रही है, वो तो इमेजिनरी है वो तो, लेकिन अपनी बातों से और उससे अपने आप को लोगों को वश में करना जानती है। इसके अलावा और कुछ क्या-क्या हो रहा है? जी गाने कर रहा हूँ काफ़ी सारे, मैं कुछ शॉर्ट फिल्म किए हैं मैंने दो, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने वाले हैं। मैं अभी बहुत जल्दी होगा ये बोलने के लिए, उस सारे पर जब प्रोजेक्ट्स रिलीज़ होंगे ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएंगे। जसलीन के साथ भी है, कुछ अलग भी हैं, कुछ और लोगों के साथ में भी हैं, अभी मतलब इट्स टू अर्ली टू ओपन ऑल दिस थिंग। हाँ ये गाने की जो फीमेल लाइंस हैं उसको छोड़ के मेरा रैप पोर्शन है वो मैं आपको बताऊँगा। आँखों में तेरी अजब सा ही नूर है, बातों में तेरी गजब का सुरूर है, आंखों में तेरी अजब सा ही नूर है, बातों में तेरी गजब का सुरूर है, ना जाने मुझ पे छाया कैसा ये फितूर है, शादी है मुझको तो फिर तू क्यों दूर है। और एक रैप पोर्शन मेरा इसके अंदर, और एक रैप पोर्शन है जो कि मैं
जी अच्छा कॉपीराइट इशू हो सकता है तो फिर जाने दीजिए बहुत अच्छा काम किया आमिर साहब ने भी और जसलील माथानू जी ने भी और गाना लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है कंपोज भी बहुत अच्छा किया हुआ है और जो इसके डायरेक्टर हैं आज़ाद साहब उन्होंने भी बहुत प्यारा काम किया है और मैं समझता हूं कि इस साल का ये सबसे बड़ा गाना होगा क्योंकि इतनी कम सहूलियत के बावजूद भी आज़ाद ने बहुत अच्छा काम किया और ये दोनों कलाकार तो सुपर स्टार हैं ही और बाकी बातें हमारे बड़े भाई साहब बोल देंगे भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर जी ने इतना सम्मान दिया ये हमारे गुरु हैं जैसे इनका नाम दिलीप है वैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री के दिलीप कुमार हैं थैंक यू और मैं समझता हूँ कि इन्होंने अगर गाने की तारीफ कर दी तो फिर हम जैसे संगीत के सिर्फ सुनने वाले और चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी कैसे पार्टी हो सकती है बेशक बेशक कि हमें गुरु ने शौक है सुनने का शौक़ है और खासकर जब अपनों की महफिल होती है जैसे आज़ाद हुसैन ये हमारी तीन फिल्मों से एसोसिएट रहा है बेशक एडिटर रहा है इसके पहले हमने मनी बैग गारंटी की थी उसके बाद में वीक बॉस की थी उसके बाद लॉकडाउन टू अनलॉक की थी और अभी जो हमारी आने वाली फिल्म है गाली गलौज उसको भी उसने एडिट किया है एसोसिएट किया तो बहुत अच्छा टेक्नीशियन है आज़ाद हुसैन और सर जी ने हमारी तीनों फिल्मों में काम किया है तो गाली गलौज फिल्म का टीम ही समझ लीजिए यहाँ पर शामिल है दोबारा से रिक्रिएट हो रहा है और गाना जैसे कि सर ने कहा बहुत ही मेलोडियस है बहुत दिन के बाद मेलोडियस गाने आ रहे हैं और टेक्निकल टीम की वो बधाई कि बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया है बच्चों से लेकर बुजुर्गों सबको पसंद आएगा क्योंकि इसमें एक तो कहानी है और उस जमाने की कहानी जो फेरी टेल के हिसाब से और जादूगरों की मतलब जादूगरों में पहली मरतबा प्यार दिखाया गया मुझे कामाख्या देवी की याद आ गई जैसे नागराज का हो जाता जी, जी, जी। उस टाइप से हिट हो जाएगा ये और पूरी टीम को बहुत बधाई भगवान करे ईश्वर करे कि इतनी हिट हो जाए कि आने वाले 2 मई को मेरे बर्थडे का ये गिफ्ट हो मेरे लिए बेशक और मैं खास करके मीडिया से भी कहूँगा कि आप जितने मीडिया आए हो उनको भी मेरा प्रणाम नमस्कार अस्सलाम वालेकुम ये मीडिया है ये मीडिया नहीं हमारा इंडिया है इंडिया है चलिए नमस्कार थैंक यू कांग्रेचुलेशंस टू ऑल मैं चलती हूँ एल्बम लॉन्च हो गया है आज और इसे सब देखिए अपना प्यार दीजिए और हमारी जसलीन मथारू जी जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और आमिर जो कि जिन्होंने गाया है ये गाना आई एम सो हैप्पी कि टीम अच्छा काम कर रही है और बस यही आशा करती हूँ कि गाना सुपर हिट हो जाए और इसे प्यार दीजिए थैंक यू सो मच मेरा नाम महक है गाना मैंने देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई होप कि ये बहुत आगे बढ़े और इसके अच्छे व्यूज़ आए वायरल हो जस्ट इसका होप कर रहे हैं जो है 7 पे जिन्होंने गाया है बहुत अच्छा गाया है बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है और VFX के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है गाना आई होप ये बहुत ज़्यादा हिट हुए थैंक यू हाँ मैं सॉन्ग के बारे में बताता हूँ कि मैं शूट पे मैं भी था गाने के पूरे शूट पे था मैं तो मुझे उस समय लगा ही नहीं कि ये गाना इतना अच्छा बन जाएगा इवन आपको मालूम है कि मैं इधर उधर घूम रहा था मैं बोला यार पता नहीं क्या हो रहा है पता नहीं कैसे होगा लेकिन जब मैंने गाना एडिट होने के बाद देखा क्योंकि मैं बहुत गाने देखता हूँ देखो मैं भी इसी लाइन से मैंने भी खुद गाने बहुत से डायरेक्ट किए हैं फिल्में की हैं मैंने डायरेक्ट किए हैं लेकिन ये गाना मैंने कई बार देखा फिर मुझे VFX के बहुत अच्छे लगे एडिट बहुत अच्छा लगा और गाने में जो बात वहाँ मुझे समझ में नहीं आई मैं गाना एडिट होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा रियली बहुत अच्छा काम इसका सिंगिंग बहुत अच्छा है रीना जी ने बहुत ही अच्छा गाए हैं और जितने भी थे जैसे जसलीन जी आमिर भाई इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है उन लोग के कॉपरेट के वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छा काम कर पाया तो ये जो वीडियो बना है इसकी थॉट पहले थी कि ये जादू वगैरह चलेगा मतलब कि कहानी क्या होगी कहानी एक्चुअली जादूगरनी है मैम का फादर एक्चुअली जब वो बिग बॉस में थी मैम तभी थॉट आया था हाँ उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि सॉरी सर लेकिन लाइक ऐसा होता ना किसी को वश में करना इसमें भी एक वश में करना तो उस समय ये मुझे सोचा था कि अगर कभी फ्यूचर में इनके साथ करूँगा तो इनको ज़रूर जादूगरनी बनाऊँगा
और थैंक यू सो मच आमिर भाई की वजह से ये प्रोजेक्ट पे मुझे ये करने का मौका मिला। पता नहीं, बचपन से तो देखते आ रहा हूँ, ऐसा तो बिलीव तो नहीं है जादू नहीं वैसा जादू बिलीव नहीं करते होंगे, लेकिन ये ऐसा बिलीव करते होंगे कि किसी को अपने बातों से बस में किया जा सकता है, वैसा इनका थॉट रहा है। बाकी तो ये फिक्शन है, इमेजिनरी चीज़ है, लेकिन अच्छी, बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर, सो मच सर।